आईईटी एन e e द्वारा प्रस्तुत है कक्षा ६ की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ अध्याय दो पूर्ण संख्याएं पृष्ठ इकतालीस तत्समक अवयव योग और गुणन के लिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं के संग्रह से किस रूप से भिन्न है यह केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति के कारण है इस संख्या शून्य की योग में विशेष भूमिका है इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए निम्नलिखित सारणी आपकी सहायता करेगी सात जमा शून्य बराबर सात पांच जमा शून्य बराबर पांच शून्य जमा पंद्रह बराबर पंद्रह शून्य जमा छब्बीस बराबर छब्बीस शून्य जमा डैश बराबर डैश जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है परिणाम स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं पृष्ठ बयालीस गुणन की संक्रिया में भी शून्य की एक विशेष भूमिका है किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है उदाहरणार्थ निम्नलिखित प्रतिरूप देखिए पांच गुणा छह बराबर तीस पांच गुणा पांच बराबर पच्चीस पांच गुणा चार बराबर बीस पांच गुणा तीस बराबर पंद्रह है पांच गुणा दस बराबर डैश पांच गुणा एक बराबर डैश पांच गुणा शून्य बराबर डैश देखिए कि किस प्रकार गुणन फल में कमी हो रही है क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं क्या आप अंतिम चरण का अनुमान लगा सकते हैं क्या यही प्रतिरूप अन्य पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य है इसको दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है इस सारणी को देखिए सात गुणा एक बराबर सात पांच गुणा एक बराबर पांच एक गुणा बारह बराबर बारह एक गुणा सौ बराबर सौ एक गुणा डैश बराबर डैश आप सही सोच रहे हैं पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक तत्समक अवयव या तत्समक है दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक है प्रश्नावली दो दशमलव दो एक उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए ए आठ सौ सैंतीस जमा, 208 जमा, 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 जमा दो सौ आठ जमा तीन सौ तिरसठ बी एक हजार नौ सौ बासठ जमा चार सौ तिरपन जमा एक हजार पांच सौ अड़तीस जमा छह सौ सैतालीस दो उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणन फल ज्ञात कीजिए ए दो गुणा एक हजार सात सौ अड़सठ गुणा पचास बी चार गुणा एक सौ सड़सठ गुणा पच्चीस सी आठ गुणा दो सौ इक्यानवे गुणा एक सौ पच्चीस डी छह सौ पच्चीस गुणा दो सौ उनासी गुणा सोलह है ई दो सौ पिचासी गुणा पांच गुणा साठ एफ एक सौ पच्चीस गुणा चालीस गुणा आठ गुणा पच्चीस तीन निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए ए दो सौ सत्तानवे गुणा सत्रह है जमा दो सौ सत्तानवे गुणा तीन बी चौवन हजार दो सौ उनासी गुणा बानवे जमा आठ गुणा चौवन हजार दो सौ उनासी सी इक्यासी हजार दो सौ पैंसठ गुणा एक सौ उनहत्तर घटा इक्यासी हजार दो सौ पैंसठ गुणा उनहत्तर डी तीन हजार आठ सौ पैंतालीस गुणा पांच गुणा सात सौ बयासी जमा सात सौ उनहत्तर गुणा पच्चीस गुणा दो सौ अठारह है चार उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणन फल ज्ञात कीजिए ए सात सौ अड़तीस गुणा एक सौ तीन बी आठ सौ चौवन गुणा एक सौ दो सी दो सौ गुणा एक हजार आठ डी एक हजार पांच गुणा एक सौ अड़सठ पृष्ठ तैतालीस पांच किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को चालीस लीटर पेट्रोल भरवाया अगले दिन उसने टंकी में पचास लीटर पेट्रोल भरवाया यदि पेट्रोल का मूल्य चवालीस रुपए प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया कोई दूध वाला एक होटल को सुबह बत्तीस लीटर दूध देता है और शाम को अड़सठ लीटर दूध देता है यदि दूध का मूल्य पैंतालीस रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी सात निम्न को सुमेलित यानी मैच कीजिए एक 425 सौ पच्चीस गुणा एक बराबर चार सौ पच्चीस गुणा कोष्ठकों में 6 जमा सौ जमा दो, दो गुणा उनचास गुणा पचास बराबर दो गुणा पचास गुणा उनचास तीन अस्सी जमा दो हजार पांच जमा बीस बराबर अस्सी जमा बीस 20 जमा दो हजार पांच ए गुणन की क्रम विनिमेयता बी योग की क्रम विनिमेयता सी योग पर गुणन का वितरण दो दशमलव पांच पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे जो आकार हम लेंगे वे हैं एक, एक रेखा दो एक आयत तीन एक वर्ग और चार एक त्रिभुज प्रत्येक संख्या को इन आकारों में से एक आकार में व्यवस्थित करना चाहिए कोई अन्य आकार नहीं होना चाहिए प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है संख्या दो को इस प्रकार दिखाया जा सकता है संख्या तीन को इस प्रकार दिखाया जा सकता है इत्यादि यहां संख्या दो और तीन को बिंदुओं की रेखा के रूप में दर्शाया गया है कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है उदाहरणार्थ संख्या छह को आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है ध्यान दीजिए कि यहां दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं कुछ संख्याओं जैसे चार और नौ को वर्गों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है चार ऐसे नौ ऐसे यहां संख्याओं चार और नौ को वर्गों के रूप में दर्शाया गया है कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है उदाहरणार्थ तीन संख्याओं तीन और छ को त्रिभुजों के रूप में दर्शाया गया है ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या चार तीन दो एक जैसी होनी चाहिए सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए पृष्ठ चवालीस अब सारणी को पूरा कीजिए संख्या दो रेखा हां आयत नहीं वर्ग नहीं त्रिभुज नहीं संख्या तीन रेखा हां आयत नहीं वर्ग नहीं त्रिभुज हां संख्या चार रेखा हां आयत हां वर्ग हां त्रिभुज नहीं संख्या पांच रेखा हां आयत नहीं वर्ग नहीं त्रिभुज नहीं इसके आगे छह से लेकर तेरह तक की संख्याओं के बारे में इस सारणी के रिक्त स्थानों में अपने जवाब लिखिए याद रहे कि एक एक विशेष संख्या है प्रयास कीजिए एक कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं दो कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं तीन कौन सी संख्याएं आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं चार प्रथम सात त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है तीन छ इत्यादि पांच कुछ संख्याओं को दो आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है उदाहरणार्थ बारह को तीन गुण चार बिंदुओं के आयत अथवा दो गुण छह बिंदुओं के आयत से दर्शाया जा सकता है इसी प्रकार के कम से कम पांच उदाहरण दीजिए प्रतिरूपों को देखना प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए ए 117 सौ सत्रह जमा नौ बराबर एक सौ सत्रह जमा दस घटा एक बराबर एक सौ सत्ताईस घटा एक बराबर एक सौ छब्बीस बी एक सौ सत्रह घटा नौ बराबर एक सौ सत्रह घटा दस जमा एक बराबर एक सौ सात जमा एक बराबर एक सौ आठ पृष्ठ पैतालीस सी एक सौ सत्रह जमा निन्यानवे बराबर एक सौ सत्रह जमा सौ घटा एक बराबर दो सौ सत्रह घटा एक बराबर दो सौ सोलह डी एक सौ सत्रह घटा निन्यानवे बराबर एक सौ सत्रह घटा सौ जमा एक बराबर सत्रह जमा एक बराबर अठारह क्या यह प्रतिरूप नौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे इत्यादि प्रकार की संख्याओं के जोड़ने या घटाने में आपकी सहायता करता है यहां एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है ए चौरासी गुणा नौ बराबर चौरासी गुणा कोष्ठकों में दस घटा एक बी चौरासी गुणा निन्यानवे बराबर चौरासी गुणा कोष्ठकों में सौ घटा एक सी चौरासी गुणा नौ सौ निन्यानवे बराबर चौरासी गुणा कोष्ठकों में एक हजार घटा एक क्या आपको किसी संख्या को नौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे इत्यादि के प्रकार की संख्याओं से गुणा करने की एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है ऐसी संक्षिप्त विधियां आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही यानी मौखिक रूप से हल करने में सहायता करती हैं निम्नलिखित प्रतिरूप आपको किसी संख्या को पांच या पच्चीस या एक सौ पच्चीस से गुणा करने की एक आकर्षक विधि बताता है आप इन संख्याओं को आगे भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं एक छियानवे गुणा पांच बराबर छियानवे गुणा दस बटा दो बराबर छियानवे बटा दो बराबर चार सौ अस्सी दो छियानवे गुणा पच्चीस बराबर छियानवे गुणा सौ बटा चार बराबर नौ हजार छह सौ बटा चार बराबर दो हजार चार सौ तीन छियानवे गुणा एक सौ पच्चीस बराबर छियानवे गुणा एक हजार बटा आठ बराबर छियानवे हजार बटा आठ बराबर बारह हजार आगे आने वाला प्रतिरूप क्या सुझाव दे रहा है एक चौसठ गुणा पांच बराबर चौसठ गुणा दस बटा दो बराबर बत्तीस गुणा दस बराबर तीन सौ बीस गुणा एक दो चौसठ गुण पंद्रह बराबर चौसठ गुणा तीस बटा दो बराबर बत्तीस गुणा तीस बराबर तीन सौ बीस गुण तीन तीन चौसठ गुणा पच्चीस बराबर चौसठ गुणा पचास बटा दो बराबर बत्तीस गुणा पचास बराबर तीन सौ बीस गुणा पांच चार चौसठ गुणा पैंतीस बराबर चौसठ गुणा सत्तर बटा दो बराबर बत्तीस गुणा सत्तर बराबर तीन सौ बीस गुणा सात प्रश्नावली दो दशमलव तीन एक निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा ए एक जमा शून्य बी शून्य गुणा शून्य सी शून्य भाग दो डी दस घटा दस भाग दो दो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए पृष्ठ छियालीस तीन यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणन फल एक है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए चार वितरण विधि से ज्ञात कीजिए ए सात सौ अठाईस गुणा एक सौ एक बी पाँच हजार चार सौ सैंतीस गुणा एक हजार एक सी आठ सौ चौबीस गुणा पच्चीस डी चार हजार दो सौ पिचहत्तर गुणा एक सौ पच्चीस ई पांच सौ चार गुणा पैंतीस पांच निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एक गुणा आठ जमा एक बराबर नौ एक दो गुणा आठ जमा दो बराबर नौ आठ एक दो तीन गुणा आठ जमा तीन बराबर नौ आठ सात एक दो तीन चार गुणा आठ जमा चार बराबर नौ आठ सात छः एक दो तीन चार पाँच गुणा आठ जमा पाँच बराबर नौ आठ सात छः पाँच अगले दो चरण लिखिए क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है संकेत एक दो तीन चार पाँच बराबर एक 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 एक, एक, एक 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 जमा एक 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 जमा एक एक जमा एक एक जमा एक हमने क्या चर्चा की एक संख्याएं एक दो तीन इत्यादि जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं दो यदि आप किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो आपको इसका परवर्ती मिलता है यदि किसी प्राकृत संख्या में से एक घटाते हैं तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है तीन प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है चार यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या शून्य जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है इस प्रकार संख्याएं शून्य एक दो तीन इत्यादि पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं पांच प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है छ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं साथ हम एक रेखा लेते हैं इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे शून्य से नामांकित करते हैं फिर हम शून्य के दाईं ओर समान अंतराल यानी दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं इन्हें क्रमशः एक दो तीन आदि से नामांकित करते हैं इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं का जोड़ व्यवकलन गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं आठ संख्या रेखा पर दाई ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है जबकि बाई ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है शून्य से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है नौ दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन फल के अंतर्गत संवृत्त यानी क्लोज हैं पृष्ठ सैतालीस जबकि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटाना और भाग यानी विभाजन के अंतर्गत संवृत्त नहीं हैं। दस शून्य से भाग यानी विभाजन परिभाषित नहीं है ग्यारह शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं पूर्ण संख्या एक को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं बारह आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा यानी गुणन कर सकते हैं हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव हैं तेरह पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य यानी असोसिएटिव हैं चौदह पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण या बंटन होता है पंद्रह पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमेय साहचर्य और वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने में उपयोगी हैं और हम अनजाने में इनका प्रयोग करते हैं सोलह संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता देते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वाचन स्वर गौरव मारवा निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन नई दिल्ली भारत